एसडीएम ने लगाई लतार, वापस जाते दुकानदार, आपको दिखा रहे हैं हरियाणा पोल खोल पर। आपको हरियाणा पोल खोल न्यूज पर दिखा रहे हैं कि आज प्रताप बाजार हाँसी के दुकानदार अपना किराया माफ करवाने की मांग को लेकर एसडीएम के पास सचिवालय में पहुंचे बिना ज्ञापन के, जिसको लेकर एसडीएम ने उनको वहां से जाने के लिए कह दिया। अपनी गाड़ी के माध्यम से लॉन्चमेंट की तुरंत पिस्टर को खाली कर दे। बता रहे हैं आपको, इस प्रताप बाजार के दुकानदार एसडीएम से मिलने पहुंचे थे किराया माफ की मांग को लेकर, लेकिन उनके हाथ में कोई ज्ञापन नहीं था, जिसके चलते वहाँ से बैरिंग नोटिस। उसके बाद वे हाथी से भाजपा विधायक विनोद भाणा की दरबार में छह बजे आपको मिले। ये आपके पास दुकानदार है किराए के लिए, तो इनके क्या सलूशन करोगे? देखिए, बेचारों की दुकानें बंद रही हैं, मतलब कुछ ना कुछ मालिक को भी चाहिए जो भी वो इनको एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि पूरा महीने से लॉकडाउन होने के कारण 1.5 महीना दुकानें बंद रही हैं। बाकी कानूनी तौर पर हम ऐसा किसी को कुछ नहीं कह सकते, बाकी भाईचारे में हम उनको बुला के समझाएंगे कि भाई किसी ना किसी तरह एडजस्टमेंट करो, गरीब आदमी हर आदमी ठीक। क्यों आप हंसी के विधायक और आप जिम्मेवारी बनती है किसी ने दुख सुख में आगे रहने की, इसलिए दुकानदार आपके पास आए हैं? मैं कह तो रहा हूँ, मैं सबको बुला के एडजस्टमेंट करवाऊंगा। ओके सर, ये थे विनोद भाणा हंसी से भाजपा विधायक। इन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ सलूशन निकाला जाएगा, कुछ ना कुछ हल निकाला जाएगा, वो दुकानदार को बुलाएंगे, मालिक को, उसके बाद कोई ना कोई आगे कार्रवाई करेंगे। ये देखे थे दुकानदार, इनको एसडीएम के पास गए थे पहले, ये एसडीएम ने इनकी भीड़ अधिक देखकर उनको वहाँ से खदेड़ दिया था, और उसके बाद ये कहीं ना कहीं विनोद भाणा की शरण में पहुंचे हैं। भाणा ने इनको आश्वासन दिया है कुछ न कुछ होगा, आपको दिखा रहे दुकानदार भी यहीं हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ भाई साहब, क्या नाम अपना? सन्नी फसरीजा। तो क्या लग रहा है आपको आज, आप एसडीएम के पास भी गए थे इकट्ठे होकर? हम गए, उन्होंने हमें यही जवाब दिया है कि आप हमें लिखित में दे जाओ कि जो भी होगा मैं करवाऊंगा एडजस्टमेंट, जैसे भी होगा। अब हमारे एमएलए साहब से हम मिले तो उन्होंने भी हमें यही कहा है कि शाम को जैसे भी होगा मैं बुलवा कर रहता हूँ, जो होगा आपका ज़्यादा से ज़्यादा साथ दिया जाएगा। तो हम भी चाहते हैं कि दुकानदारों का साथ दिया जाए। हम देखो इसे यहीं से रोटी खाते हैं, जब हमारी रोजी रोटी बंद हो जाएगी हम कहाँ से खाएँगे बताओ। हम तो इतना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं भाई, हमारा किराया माफ़ हो, ज़्यादा नहीं कुछ कहता हुआ बस।